अगर आप पेट्स को पसंद करते हो तो हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका स्वागत है पेट इन्फो में और आज हम देखेंगे डॉग वर्सेस डॉग का 88 एपिसोड और इस एपिसोड में हम कॉकर स्पैनियल वर्सेस इंडियन स्पिट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओरिजिन, इंग्लिश कॉकर स्पैनियल का ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम से है। ये स्पैनियल टाइप की डॉग ब्रीड है। जब इंग्लैंड में सभी स्पैनियल टाइप डॉग ब्रीड को डिवाइड किया गया था तब उनमें टोटल 7 अलग ब्रीड्स थी और इन ब्रीड्स में इंग्लिश स्प्रिंगर स्पैनियल, कॉकर स्पैनियल, क्लम्बर स्पैनियल, ससेक्स, वेल्स स्प्रिंगर स्पैनियल, फील्ड स्पैनियल और आयरिश वाटर स्पैनियल मौजूद थे। और उस दौरान स्प्रिंगर स्पैनियल और कॉकर स्पैनियल को एक ही टाइप के ब्रीड में गिना जाता था और बाद में 1892 में इंग्लैंड के कैनल क्लब ने उन्हें अलग अलग टाइप के ब्रीड में मान्यता दे दी। कॉकर स्पैनियल गन टाइप की डॉग ब्रीड है, मतलब पहले इनका इस्तेमाल शिकार को ट्रैक करने के लिए या उन्हें बाहर निकालने के लिए किया जाता था। कॉकर स्पैनियल का नाम वुड कॉक बर्ड के ऊपर रखा गया है। इंडियन स्पिट्स का ओरिजिन इंडिया से है और ये स्पिट्स टाइप की डॉग ब्रीड है। इंडियन स्पिट्स और पोमेरेनियन दोनों भी स्पिट्स टाइप की डॉग ब्रीड्स है, लेकिन वो दोनों अलग अलग डॉग ब्रीड्स है। इंडियन स्पिट्स पोमेरेनियन से साइज में बड़े होते हैं और उनका कोट थोड़ा शॉर्ट होता है। 19th सेंचुरी के दौरान इंडिया में ऑक्यूपाइड ब्रिटिश एरिया में ब्रिटिश लोग एक ऐसी ब्रीड चाहते थे जो इंडियन क्लाइमेट के लिए अनुकूल और जर्मन स्पिट्स जैसी इंटेलिजेंट हो। कुछ साल ब्रीडिंग के बाद उन्होंने एक ऐसी ब्रीड पाई जो इंडिया के क्लाइमेट के लिए परफेक्ट थी। इंडियन स्पिट्स डॉग इंडिया के अदर डॉग ब्रीड से इंटेलिजेंस के मामले में सबसे ऊपर है और ये ब्रीड्स ट्रिक दिखाना और अपने मालिक की भाषाओं को समझना जल्दी सीखती है। इंडियन स्पिट्स डॉग बहुत ही फेमस डॉग ब्रीड है और आपने बहुत से बॉलीवुड के मूवीज में इस डॉग ब्रीड को देखा होगा। गार्डिंग एंड सोशलाइजेशन, कॉकर स्पैनियल के टैलेंट देखे तो ये डॉग्स रिट्रीविंग, एजिलिटी, ट्रैकिंग और वॉच डॉग होते हैं। कॉकर स्पैनियल अच्छे वॉच डॉग और ट्रैकिंग के मामले में अच्छे होने के कारण इनका इस्तेमाल पुलिस फोर्स में किया जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो तो आपके लिए ये डॉग ब्रीड अच्छी है। कॉकर स्पैनियल फैमिली फ्रेंडली डॉग ब्रीड है और ये डॉग्स इंटेलिजेंट, प्लेफुल, क्वाइट, ट्रेनेबल और फ्रेंडली होते हैं। ये स्मॉल टू मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है तो ये मीडियम साइज के घर में आसानी से रह सकते हैं। कॉकर स्पैनियल को एटलीस्ट 30-40 मिनट्स तक एक्सरसाइज करवाना चाहिए। इंडियन स्पिट्स ब्राइट एंड एक्टिव डॉग ब्रीड है और ये साइज में छोटे होने के कारण ये छोटे घर में आसानी से रह सकते हैं। इस डॉग ब्रीड को इंटेलिजेंट के लिस्ट में भी गिना जाता है क्योंकि ये ब्रीड कम से कम टाइम में अलग अलग ट्रिक सीखती है। अगर आपका घर छोटा हो या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस ब्रीड को अडॉप्ट कर सकते हो। गार्डिंग के मामले में ये ब्रीड बहुत ही अलर्ट होती है। इंडियन स्पिट्स डॉग को डेली 30-40 मिनट्स तक एक्सरसाइज करवाना चाहिए और इनको अपने मालिक के साथ घूमना बहुत पसंद होता है। कलर्स एंड शेडिंग, कॉकर स्पैनियल डॉग ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, ब्लू रॉन, गोल्डन, लीवर और रेडिश कलर में पाए जाते हैं। इनका हेयर कोट लॉन्ग और सिल्की होता है और इनके पीठ पर मीडियम सॉफ्ट हेयर का कोट होता है। कॉकर स्पैनियल को ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। इनको हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 टाइम ग्रूमिंग करवाना चाहिए। इनका शेडिंग सीजन 5-6 मंथ में आता है। इंडियन स्पिट्स ब्लैक, टैन, व्हाइट एंड ब्राउन कलर्स में पाए जाते हैं। इंडियन स्पिट्स डॉग का लॉन्ग कोट होता है और एक ऐसी ब्रीड है जो खुद को साफ रखना पसंद करती है, लेकिन लॉन्ग कोट होने की वजह से उनको रेगुलर ब्रशिंग की ज़रूरत होती है ताकि उनका कोट अच्छी स्थिति में रहे और इनका शेडिंग सीजन 5-6 मंथ में आता है। मेंटेनेंस, कॉकर स्पैनियल का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 15,000 से लेकर 25,000 तक आता है। इंडियन स्पिट्स का पर ईयर मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा 6,000-12,000 तक आता है। हाइट, कॉकर स्पैनियल की एवरेज हाइट 14-17 इंचेस होती है। इंडियन स्पिट्स की हाइट 16-18 इंचेस होती है। वेट, कॉकर स्पैनियल का एवरेज वेट 12-16 केजी तक होता है। इंडियन स्पिट्स का वेट 10-12 केजी तक होता है। लीटर साइज, कॉकर स्पैनियल की लीटर साइज एवरेज 6-8 पपीज होती है। इंडियन स्पिट्स की लीटर साइज एवरेज 3-6 पपीज होती है। लाइफ स्पैन, कॉकर स्पैनियल का लाइफ स्पैन 12-15 ईयर्स तक होता है। इंडियन स्पिट्स का लाइफ स्पैन 10-14 ईयर्स तक होता है। प्राइस, कॉकर स्पैनियल की एवरेज प्राइस अप टू 20,000 है। इंडियन स्पिट्स की प्राइस अप टू 5,000 है। तो दोस्तों कैसा लगा आज के डॉग वर्सेस डॉग का 45 एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो
इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कौन से डॉग को चूज़ किया, और हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।